आपको ये पता है कि अदरक खाने से 12 बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं? क्या आपको ये पता है कि अदरक खाने के भी 12 तरीके होते हैं? हर घर में हर रोज तरह तरह से अदरक खाया जाता है और अदरक पाया जाता है। कुछ लोग जान के इसे खाते हैं ताकि वो उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स हो, और कुछ लोग अनजाने में इसे खाते हैं। किसी के यहाँ सुबह की चाय में अदरक डाली जाती है क्योंकि अदरक डालने से चाय का स्वाद बढ़ जाता है, तो कोई दिन के खाने में चटनी और अचार अदरक का खाता है। किसी के यहाँ अदरक सब्जी में डाल के सब्जियों का फ्लेवर बढ़ाया जाता है, पर बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अदरक का इस्तेमाल मेडिकल साइंस यानी कि दवा बनाने में बहुत तरह तरह से किया जाता है। और उसी तरह से आयुर्वेद में भी अदरक खाने के बहुत तरह तरह के तरीके बताए गए हैं ताकि अदरक से 12 जो बीमारियां जड़ से खत्म होती हैं वो किया जा सके। हेलो व्यूअर्स, रचनाज क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज आपको मैं बताने वाली हूँ अदरक खाने के 12 तरीके और अदरक खाने से वो 12 बीमारियां कैसे जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले अदरक का रस निकाल के उसमें 1 चम्मच पुराना देशी घी, खासकर गाय का घी, मिला लीजिए और उसमें कपूर का एक टुकड़ा, इसको मिला करके निमोनिया का मरीज यानी जिनको निमोनिया हुआ हो उनके लिए, निमोनिया के मरीज के लिए ये लेप बनाइए और निमोनिया के मरीज के सीने या छाती में इसकी मालिश करिए 1 दिन में 2 बार। मालिश के बाद किसी ऊनी कपड़े से छाती को ढक दीजिए। निमोनिया के मरीज को 2 से 3 दिन में आराम मिलेगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। है ना बहुत नई जानकारी आपके लिए? तो अगर आपको ये जानकारी बिल्कुल नई लगी और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेट रहना और इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा कि इसमें आगे और भी ऐसी यूनिक जानकारी दूंगी मैं। तो फटाफट से मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बताती हूँ। अदरक को सेंधा नमक के साथ पीसकर दोनों समय यानी 1 दिन में 2 समय लेने से पेट से जुड़ी हुई सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं, जैसे कि कब्ज, एसिडिटी, अल्सर, इसके अलावा और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेट से जुड़ी हैं वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। आगे अदरक में जिंजरोल होता है जो उल्टी या वोमिटिंग को मिनटों में रोक देता है। यहाँ तक कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑर्कोलॉजी द्वारा जब कीमोथेरेपी किया जाता है तो उससे पहले पेशेंट को वोमिटिंग रोकने की दवा जो दी जाती है उसमें अदरक का सप्लीमेंट मिलाया जाता है। तो अगर आपको कभी भी वोमिटिंग लगती है तो इंस्टेंट आराम के लिए आपको अदरक का एक टुकड़ा सेंधा नमक में डाल के चूस लेना है। अब आगे जानते हैं, जिन लोगों के हाथों में, उंगलियों में, पैरों में झंझनाहट होती है, सूनापन आ जाता है, दर्द होता है, उस सिंड्रोम को कहते हैं रेनाडॉस सिंड्रोम। यूएस में हुए शोध के अनुसार अदरक में पाया जाने वाला फाइटोकेमिकल इस रोग के लिए बहुत चमत्कारिक लाभ देता है। तो अदरक जरूर खाएं। अदरक और लौंग के साथ में चूसने से गले से जुड़ी सभी बीमारी जैसे कि इन्फेक्शन, टॉन्सिल, आवाज गायब होना, ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार आर्थराइटिस के लिए अदरक जो है वो रामबाण की तरह काम करता है। यहाँ तक कि मियामी विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार अदरक आर्थराइटिस या हड्डी रोग के लिए बेहतर से भी बेहतर दर्द निवारक दवा है। जैसे कि जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद उनको हड्डियों में दर्द हो और वो एक टुकड़ा अदरक का चूस लें तो उनको दर्द में 80% तक आराम मिलेगा। तो आज ही से अदरक का एक टुकड़ा इस तरह से चूसना शुरू करिए। अदरक और मेथी दोनों ही बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। अदरक और मेथी का काढ़ा पीने से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ठीक हो जाता है। साथ ही शहद मिलाकर के रोज खाने से हार्ट मजबूत होता है। तो अदरक सिर्फ आर्थराइटिस के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आपको अगर सर्दी, खांसी, बुखार या आपके परिवार में किसी को भी बार बार सर्दी होती है, खांसी होता है, कफ होता है, बुखार होता है, तो उनको रोज दीजिए अदरक और मेथी का काढ़ा बना करके। और अगर बच्चों को सीने में जकड़न हो जाती है, सर्दी, खांसी, बुखार हो जाता है, तो बच्चों को मेथी और अदरक का काढ़ा बना के उसमें शहद मिला के दीजिए, बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा।
और बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो फटाफट से लाइक बटन जरूर प्रेस करिए। जिन लोगों के शरीर में किसी भी तरह का सूजन और दर्द हो जाता है, अगर वो अदरक को पीस के गर्म करके एक पोटली बना लें, मतलब आपको अदरक को पीस के उसका रस निकालना है, रस को गर्म कर लेना है, 2 चम्मच रस को गर्म कर लीजिए और उसको उसी से सिकाई करिए जहां पे आपके सूजन है, तो जो सूजन होती है ना वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा अदरक को गुड़ के साथ उबाल के पीने से जकड़न, हड्डियों में जकड़न के अलावा सीने में जकड़न, सारे जकड़न में बहुत आराम मिलता है। अदरक के रस में अजवाइन को भिगो के खाने से किडनी से जुड़ी तकलीफ दूर हो जाती है। यानी एक अदरक आपके 12 बीमारियों को जड़ से खत्म करता है और एक अदरक है जो 12 तरह से खाया जा सकता है अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ। तो कितना फायदेमंद है अदरक मैंने आपको बता दिया। आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी होगी तो आपका काम है और लोगों से इसको शेयर करना और अपने डेली डाइट में सिर्फ सब्जी, चटनी, अचार या चाय में ही अदरक ना खाएं और पिएं, बल्कि डेली सेंधा नमक के साथ, घी के साथ, अजवाइन के साथ, मेथी के साथ, शहद के साथ, लौंग के साथ, अलग अलग तरह से अलग अलग बीमारियों के लिए अदरक का सेवन करें।